सो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बिजी के अंदर एक कंपनी को ओपन करेंगे, कंपनी को कैसे क्लोज करेंगे, साथ ही साथ बिजी से एग्जिट होंगे, कंपनी के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, उसकी डिटेल के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन हो वो देखेंगे कि कैसे करेंगे, साथ ही साथ कंपनी को अगर डिलीट करना हो तो वो देखेंगे कि कैसे करेंगे। कंपनी को ओपन करने के लिए जब आप बिजी को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर पहला ऑप्शन जो आता है ओपन कंपनी का आता है, तो ओपन कंपनी के ऊपर एक बार आपको एंटर करना है। जो भी आपकी कंपनी होंगी वो ऊपर शो हो जाएंगी, कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो आपको अपना पासवर्ड डालना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ओके पे क्लिक करना है। जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो कंपनी को क्लोज करने के लिए आपको कंपनी वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लोज कंपनी, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी कंपनी क्लोज हो जाएगी। अब बिजी से एग्जिट होने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एग्जिट बिजी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी बिजी बंद हो जाएगी। कंपनी के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए, यहाँ पर कंपनी के अंदर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपको उसका एड्रेस चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी कुछ चेंज करनी है तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप इसके अंदर मॉडिफाई कर सकें। कंपनी के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको कंपनी वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एडिट कंपनी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो मॉडिफाई कर सकते हैं वो कंपनी का नाम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका प्रिंट नेम चेंज कर सकते हैं, उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको कंपनी वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। अगर आपने डाटा को ओपन कर रखा है तो सबसे पहले आपको कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिलीट कंपनी सिंगल फाइनेंशियल ईयर, इसके ऊपर क्लिक करना है, कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि आपको कंप्लीट कंपनी को डिलीट करना है या सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना है। हम पहले देखते हैं कि अगर हम सिंगल फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे करना है। यहाँ पर आपको सिंगल फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप या तो फर्स्ट या लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर आपकी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है आप उसी को डिलीट कर सकते हैं। तो जिस भी डेट पर आपने डाटा को मेंटेन करना शुरू किया था वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ दिखा देगा, जो भी करंट का फाइनेंशियल ईयर अभी आपका चल रहा है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अगर आप एक बार फाइनेंशियल ईयर को डिलीट कर देते हैं तो उस ईयर का डाटा जो है रिकवर नहीं होगा। यस पर क्लिक करना है, आपका फाइनेंशियल ईयर डिलीट हो जाएगा। अगर हमको कंप्लीट कंपनी को डिलीट करना है तो कंप्लीट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो वो डाटा रिकवर नहीं होगा। यस पर क्लिक करना है, कंपनी का डाटा डिलीट हो चुका है। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।